पे जाएंगे तमाम पेपर दिखाया आपको कि आपको कौन सा पेपर बाय करना है, डॉबी का करना है, एप्पल करना है। मैंने कहा मुझे माइक्रोसॉफ्ट का करना है, माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे पेपर हैं, वो कह रहे हैं कौन सा चाहिए। तो मैंने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट में आप जाएँ और माइक्रोसॉफ्ट के एग्जाम वाउचर दिखा दें, और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है। ऑफिस स्पेशलिस्ट आपके पास लिखा हुआ है, ये आपके पास प्रैक्टिस टेस्ट है, गाइड है, ई बुक है $32 की। और अगर आप बॉस एग्जाम वाउचर में जाएं, ये वाउचर्स में चलाएं, ये बॉस एग्जाम वाउचर आ रहे हैं, ये देख रहे हैं आप एग्जाम वाउचर, क्लिक करें तो आपको बता रहे हैं कि ये अब महंगा भी हो गया, 96 से 100 हो गया, ठीक है, $100 का हो गया। $100 का मतलब क्या हुआ भाई, $15 का पेपर पड़ गया, ठीक है। तो $15 का पेपर है, और इसमें ये भी आता रीटेक वाला, $20 के फर्स्ट से आपको एक और हो गया, अगर आप फेल हो तो रीटेक भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं रीटेक। लेकिन ये आपको इतने का नहीं पड़ता, ये आपको तकरीबन हमारे पास $10-15 और कम पड़ जाता है, और अगर नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा लेते हैं तो हमने इसको $40 तक भी बेचा, कितने का $40 तक का भी बेचा है। और कभी कभार खुश नसीबी से माइक्रोसॉफ्ट स्कीम भी दे देता है और वो फ्री देता है।